सबको जय शु जोहार और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं दीदी की दुकान और इस वक्त हम लोग हैं गैरेज में। और गैरेज में क्यों आए हैं, एक्चुअली हम लोग निकले थे डेकोरेशन करने के लिए और हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो उसका रिपेयर करने के लिए आए थे। और फिलहाल जो है हम लोग यहाँ झीरपानी का NWGL चर्च में पहुँच चुके हैं और डेकोरेशन भी स्टार्ट कर चुके हैं। और यहाँ पे कल एक लोटा पानी है और साथ ही साथ वचन दत्त है। और मैंने अपने लाइफ में अभी तक चर्च कंपाउंड को इतना सुंदर सजाया हुआ कभी नहीं देखा था। और टेंट वाले जो हैं वो बहुत सुंदर काम किए हैं और स्पेशली उन्होंने जो कलर यूज़ किया है पीच कलर का, वो मतलब इस जगह को इतना सुंदर बना दे रहा है। अभी रात को तो वो वीडियोज़ में पता नहीं चलेगा, मैं सवेरे अगर होता है तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो काम हम लोगों ने किया है उसका कुछ ग्लिम्स दिखा देती हैं आप लोगों को। ये जो GL चर्च है NWGL चर्च झीरपानी का, इसमें हम लोगों ने पहले भी डेकोरेशन किया हुआ है लेकिन इस बार जब हम आए तो चर्च को लाइक एक रिनोवेशन करके इसे बहुत सुंदर बनाया गया है। इसका इंटीरियर जो है वो काफ़ी कुछ बदल गया है। ये झूमर है और इस तरीके से सीलिंग किया हुआ है और इसके जो लाइट्स है अगर वो ऑन करेंगे तो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और ये उनका ऑल्टर वाला पार्ट है जिसे लाइक वुडन का टच दिया हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा था ये। और हाँ, शायद ये राउरकेला में पहला चर्च होगा जिसे फुल्ली एसी किया गया है। फिलहाल हमारा डेकोरेशन का वाइंड अप करके हम लोग भी घर से निकल रहे हैं। और आज का दिन का मैं ब्लॉग में कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी आप लोगों को क्योंकि मैंने आज का जो इवेंट था वो अटेंड नहीं किया था क्योंकि घर पे और भी बहुत सारे काम थे जो कि निपटाना था। सो इस ब्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रही हूँ, बस जो थोड़ा सा डेकोरेशन का ग्लिम्स था वही दिखा पाई। तो बस इस बार के लिए माफ़ कीजिएगा और नेक्स्ट बार कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ब्लॉग में जो भी डेकोरेशन वगैरह हो और जो भी उस दिन का इवेंट में जो कुछ भी प्रोग्राम वगैरह होगा मैं वो सब मतलब कवर करने का कोशिश करूँगी। तो फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।